वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियोटाइपिंग या साइटोजेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। अगर मैं कैरियोटाइपिंग या साइटोजेनेटिक के बारे में बात करूं तो ये बहुत अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि क्रोमोसोम एनालिसिस या जिसको हिंदी में गुणसूत्र अध्ययन बोलते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग मतलब हिंदी में आनुवांशिक परीक्षण, या फिर कैरियोटाइप, साइटोजेनेटिक एनालिसिस, क्रोमोसोम स्टडीज या फिर क्रोमोसोम कैरियोटाइप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इस टेस्ट से कौन सी बीमारियों का पता लगाया जाता है, तो इस टेस्ट से मुख्यतः जो पता चलता है वो जन्म दोष मतलब बर्थ डिफेक्ट, या अगर हम कहें तो जो बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं उनमें जो जन्म से ही कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि डाउन, एडवर्ड और पटायू सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, उसके बारे में पता चलता है। साथ साथ में अगर किसी को खून का कैंसर होता है, जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या माइलोमा, सो इस टेस्ट से उसके बारे में भी पता चलता है। अगर बात करूं तो इस टेस्ट में इन बीमारियों के बारे में क्या पता चलता है, सो इन बीमारियों के बारे में पता चलता है कि क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है मतलब उसकी संरचना या आकृति में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, साथ साथ में कोई क्रोमोसोम्स डिलीट या कोई क्रोमोसोम मिस तो नहीं हो गया है, या फिर कोई क्रोमोसोम्स एक से डबल तो नहीं हो गया है, या फिर कोई क्रोमोसोम एक स्थान से दूसरे स्थान तक म्यूटेट तो नहीं हो गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला तो नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती क्रोमोसोम्स की जो बर्थ डिफेक्ट या कैंसर बोलते हैं, जो क्रोमोसोम्स की अबनॉर्मलिटी स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट की वजह से होता है। साथ साथ में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मतलब लड़का या लड़की, सो अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो जैसा आपको पता है कि एक व्यक्ति के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, और अगर हम टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें तो 46 होते हैं। इसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 23वां नंबर का क्रोमोसोम जो आप देख रहे हैं एक्स वाई, लड़के में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और लड़की के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। दोनों मेल और फीमेल दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो इसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं मतलब 23 जोड़े होते हैं। इस टेस्ट से जैसा मैंने बताया कि बर्थ डिफेक्ट भी पता चलता है, बर्थ डिफेक्ट जैसे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है क्रोमोसोम नंबर 21 पे 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18 पे 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, और पटायू सिंड्रोम जिसमें क्रोमोसोम नंबर 13 पे 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ये बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट से ये भी पता चलता है अगर कोई क्रोमोसोम्स बिल्कुल से अपनी जगह पे है कि नहीं है, उसके बारे में भी पता चलता है। साथ साथ में इससे जो CML ब्लड कैंसर है उसके बारे में भी पता चलता है। CML में जैसा आप देख रहे हैं CML को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे ट्रांसलोकेशन 922। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 9 का जो है आकृति जो है ना, जहाँ पे रेड मार्क किया है वो काफी बड़ा है और क्रोमोसोम नंबर 22 पे कम है। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम नंबर 22 का कुछ पार्ट क्रोमोसोम नंबर 9 पे चला गया है। तो साइटोजेनेटिक टेस्टिंग में ये भी एनालाइज करते हैं कि क्रोमोसोम का कुछ पार्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो नहीं चला गया है। साथ में अगर मैं AML कैंसर की बात करूं जो मुख्यतः बच्चों और एडल्ट्स में होता है, उसमें भी आप देखेंगे क्रोमोसोम नंबर 15 और क्रोमोसोम नंबर 17। सो आप यहां देखेंगे क्रोमोसोम नंबर 15 का कुछ पार्ट जो है क्रोमोसोम नंबर 17 पे चला गया है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन 15-17। सो ये AML कैंसर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। सो इसी तरीके के और से भी बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं जो साइटोजेनेटिक टेस्टिंग के जरिए पता किए जा सकते हैं। तो साइटोजेनेटिक टेस्टिंग का ब्लड कैंसर या खून के कैंसर और बर्थ डिफेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर मैं बात करूं कि इसके लिए क्या सैंपल चाहिए होता है, सो अगर आप बर्थ डिफेक्ट मतलब जन्म दोष पता करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो चाहिए होता है, या कोरियोनिक विलाई सैंपल चाहिए होता है जिसको नाल भी बोलते हैं, उसमें से सैंपल रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूं ब्लड कैंसर की, तो ब्लड कैंसर के लिए जो बेस्ट सैंपल होता है वो बोन मैरो का सैंपल होता है। बोन मैरो मतलब रीढ़ की हड्डी में पंचिंग करके ये सैंपल निकाला जाता है। अब मैं बात करूं कि ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए जो क्या होता है कि जो 5 ml ब्लड या फिर जो बोन मैरो जो ब्लड कैंसर में चाहिए होता वो जरूरत होती है, उसका कल्चर किया जाता है, मतलब उसके काफी दिन तक रख के उसके जो है ना देखा जाता है ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है,
उसके बाद उसके मेटाफेज एनालाइज किए जाते हैं और मेटाफेज के बाद जो कैरियोटाइप आता है, कैरियोटाइप मतलब एक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स का निकल कर आता है, उसमें देखा जाता है कि क्रोमोसोम्स में कहां म्यूटेशन हुआ था, मतलब कहां अगर कोई कम हो गया था क्रोमोसोम या ज्यादा हो गया था, या तीन क्रोमोसोम्स हो गए थे जिसको ट्राइजोमी बोलते हैं, वो पता किया जाता है। सो इसके जरिए ये पता किया जा सकता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या क्रोमोसोम्स में कोई स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी या प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारा चीज इससे पता किया जा सकता है। अगर मैं इसकी रिपोर्ट की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इसकी रिपोर्ट में समय लग सकता है, एक हफ्ते से लेकर तीन हफ्ते का समय इस रिपोर्ट में लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें कल्चरिंग होती है जिसकी वजह से रिपोर्ट जो होती है वो थोड़ा लेट आती है, मतलब 7 से 21 दिन इसमें रिपोर्ट में लग जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इस टेस्ट का प्राइस कितना होता है, तो इस टेस्ट का प्राइस जो जनरली पाया जाता है लैब टू लैब डिपेंड करता है और ये 3500 से लेकर 4500 रुपए तक के बीच में हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए बर्थ डिफेक्ट या जन्म दोष जैसे डाउन एडवर्ड पटायोक्लेन फिल्टर्स, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इन तमाम बीमारियों के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं। साथ साथ में अगर आप ब्लड कैंसर या लंग कैंसर के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उसमें भी जैसे अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करूं, CML, AML, ALL, CLL, उसके साथ में कैंसर का कौन से खाना खाना चाहिए, कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैंसर क्या होता है, इन तमाम कैंसर के बारे में और बर्थ डिफेक्ट के बारे में मेरे चैनल्स पर वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां जाके इनको देख सकते हैं। और अगर आपको कैरियोटाइपिंग या साइटोजेनेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।